नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है अंडरस्टैंड द सेल्फ, इसके अंदर जानेंगे सामाजिक विकास। क्या होता है ये सामाजिक विकास? सभी को पता है कि जब हमारे अंदर सामाजिकता, हम जब दुनियादारी को समझने लग जाते हैं और अपने आप को उसके हिसाब से तालमेल बिठाने लग जाते हैं, दूसरों के भाव विचार को आकर्षित करना और ये सब जो इस जगत में है वो सब हम जब समझने लग जाते हैं तो हमारा सामाजिक विकास होता है। जो प्रारंभ में मनुष्य बालक का जन्म होता है, मनुष्य इस दुनिया में आता है तो उसमें किसी तरह का कोई सामाजिक भाव नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी आयु बढ़ती है और उसी आयु की वृद्धि के साथ साथ उसमें सामाजिक गुण निर्मित होते चले आते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही इस समाज में निहित है, यानी कि जो परिवेश है उस परिवेश में मनुष्य रहता है और उसी के अनुसार उसका अस्तित्व माना जाता है, चाहे वो किसी भी देश के संदर्भ में हो, कोई परिवेश हो, हर परिवेश परिस्थिति के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को यापन करता है। तो यही सामाजिक विकास है जिसके अनुसार मनुष्य के अंदर धीरे धीरे सामाजिक गुण निर्मित होते चले जाते हैं। तो हम जानते हैं सामाजिक विकास, तो इसकी परिभाषा है सोरेनसन, सोरेनसन ने सामाजिक विकास की परिभाषा दी है, सामाजिक वृद्धि एवं विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भलीभांति भलीभांति चलने की बढ़ती योग्यता। तो ये परिभाषा सोरेनसन ने दी है सामाजिक विकास के संदर्भ में, कि सामाजिक विकास सामाजिक वृद्धि एवं विकास से तात्पर्य है, उसका अर्थ है कि अपने साथ और दूसरों के साथ, यानी स्वयं और दूसरों के साथ हम भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता, यानी कि अब हम जब इस दुनिया में आ चुके तो इस दुनिया में दूसरों के साथ किस तरीके से चल रहे, अपना सामंजस्य स्थापित कर रहे, अपने आप को इस दुनिया के हिसाब से तालमेल बिठा रहे। तो अगर आपने तालमेल बिठा लिया, यानी कि आपके अंदर सामाजिकता है, आपके अंदर मैनर्स है, आपके अंदर वो गुण है जिससे अब आपकी एक अलग पहचान बनने जा रही है और सामाजिक गुण निर्मित होने जा रहे हैं। तो ये बात कही है सोरेनसन ने, कहने का तात्पर्य कि हमारे अंदर धीरे धीरे वृद्धि और विकास दूसरों के साथ किस तरीके से चल रहे हैं इसके अनुसार हमारे अंदर निर्मित हो रहा है। अब हम आगे जानते हैं कि जो सामाजिक विकास है वो प्रारंभिक तौर पर किस तरीके से होता है, यानी कि जब मगर बालक का जन्म होता है तो प्रारंभिक तौर पर सबसे पूर्व, ठीक है ना, प्रारंभ में जो कि हम उसकी अगर श्रेष्ठता अवस्था चेष्टावस्था, यानी प्रारंभ में जो सामाजिक गुण है वो किस तरीके से निर्मित हो रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। बालक पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ उसमें किसी तरह का कोई गुण नहीं है, किसी तरह का कोई भाव नहीं है, लेकिन एक आयु वृद्धि के साथ 2-3 माह के बाद अपने माता पिता के संपर्क में रहता है, अपने घर के अन्य सदस्यों के संपर्क में रहता है, अपने दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे उसमें सामाजिकता आती है। पहले उसको पता नहीं होता है कौन अपना है कौन पराया, लेकिन धीरे धीरे वो समझ आ जाती है। उसके अंदर भूख प्यास का कोई गुण नहीं रहता, भूख प्यास समझ में आ जाती है, फिर उसकी क्या आवश्यकता है धीरे समझ में आती है, फिर उसकी क्या जरूरत है, उसको किस तरीके से अपने आप को
आगे की ओर बढ़ाना है, ये धीरे धीरे गुण उसके अंदर आते हैं। तो यही उसके अंदर हम कह सकते हैं कि सामाजिकता धीरे धीरे निर्मित होती है। तो इसके संदर्भ में प्रो एंड प्रो, प्रो एंड प्रो ने कहा है जन के समय, जन के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता। ये क्वेश्चन है प्रो एंड प्रो की, वो कहना चाहते हैं कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न ही असामाजिक, में किस तरह का कोई भाव विद्यमान नहीं है, लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहती है, धीरे धीरे समय और आयु वृद्धि के साथ साथ उसके अंदर गुण विद्यमान होता रहता है। अब हम चाहते हैं कि जो ये प्रारंभिक अवस्था है इसमें जो है सामाजिकता किस तरीके से निर्मित होती है। संख्या आयु माह सामाजिक सबसे पहला प्रथम माह के अंदर धमनियों में अंतर समझना, द्वितीय माह में मानव ध्वनि पहचानना, तृतीय माता के लिए प्रसन्न एवं माता के अभाव में दुखी। चतुर्थ माह में परिवार के सदस्यों को पहचानना, पंचम माह में प्रसन्नता एवं क्रोध में
प्रतिक्रिया तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है सबसे प्रथम माह के अंदर जो बालक की ध्वनियों में अंतर करना समझ जाता है, उसको पता लगता है कि उसके आसपास जो माता रहती है, पिता रहते हैं, भाई बहने, तो वो दूर से एक जैसे माँ की आवाज सुनता है तो पहचान लगता है उसकी माँ उसके आसपास ही है। इस तरह से ध्वनियों में अंतर करना समझता है। द्वितीय माह में मानव ध्वनियों को पहचानते हैं। अब धीरे धीरे परिवार के जो अन्य सदस्य आसपास के सदस्य उन ध्वनियों को पहचानना को अजन की ध्वनि होती है, जिसको वो नहीं जानता तो अपने आप को जैसे कि डरा हुआ है और असुरक्षित तरह से महसूस करता है। तीसरी तृतीय माह में अगर माता के लिए प्रसन्न और माता के भाव दुखी है, जैसी माँ आती है तो खुशी होती है और माँ जाती है तो दुखी हो जाता है, इस तरह से उसका अगर भाव। चतुर्थ माह में परिवार के सदस्यों को पहचानना, परिवार के सदस्यों को वो धीरे धीरे पहचानने लगता है, अन्य सदस्यों पर जाना शुरू कर देता है। पंचम माह में प्रसन्नता एवं क्रोध प्रतिक्रिया करना, यानी प्रसन्नता भी हो जाता है, खुश भी रहता है और धीरे धीरे उसका अगर क्रोध का भाव जो संवेग है वो संवेग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने पंचम माह का देखा। अब है षष्ठम माह। षष्ठम माह परिचितों से प्यार व अन्य लोगों से भयभीत। सप्तम माह अनुकरण द्वारा सीखना। अष्टम एवं नवम में हाव हाव का प्रदर्शन। दशम एवं ग्यारहवां, दशम एवं ग्यारहवें माह में छाया के साथ खेलना। लास्ट है दूसरे वर्ष की अवधि, दूसरे वर्ष की अवधि कहता है सामाजिक
विकास को बताते हुए प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार होता, तो आपको बताना है कि सामान्य विकास क्या है, इसके अर्थ को बताते हुए प्रारंभिक अवस्था में किस तरीके से होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमको पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, हमको सावधानी सतर्कता तो रखनी है, आप अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम जब भी जाते हैं तो मुंह का मास्क का प्रयोग करेंगे और स्वयं के साथ साथ अपने परिवार और आसपास में जागरूकता से इस बीमारी से निजात पाएंगे। थैंक यू।